हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फैन बंद कर देता हूँ पहले तो, इसकी आवाज से आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। आज 30 नवंबर रेड फॉक्स शटर स्टूडियो का सेकंड, ये सीजन का सेकंड वेडिंग है। तो आज ज्यादा कुछ नहीं, 2 घंटे का शूट है, रिचुअल से रिचुअल शूट करके आने, और मेरे साथ तो मिस्टर डीआर आने वाले हैं। आज अभी बज रहे सुबह के 7, क्योंकि मुझे कैमरा भी लेने जाना है घाटकोपर, तो घाटकोपर कैमरा लेके बाद में मिस्टर डीआर को लूंगा। देन मिस्टर डीआर को पिकअप करने के बाद फिर से यहाँ पर आएंगे करके बाजू में, ये ज्यादा दूर नहीं है अभी तो, निकलते फटाफट, क्योंकि जिससे कैमरा लेना है उसको 8 बजे तक बाहर जाना है, तो मुझे आधे घंटे में पहुंचना पड़ेगा। ये लोगों देख के मुझे स्कूल की याद आ गई, आज वेनेसडे तो हम लोग को व्हाइट कपड़ा पहनना पड़ता है, और रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, अलग अलग। गाइस सुबह सुबह भी यहाँ पर देखो ट्रैफिक ही रहता है, सुबह 7 बजे रहे अभी के, और ट्रैफिक आप देख सकते हो सुबह 7 बजे भी इतना ट्रैफिक, तो अभी दोपहर में क्या होगा आप ही सोच लो। अभी मैं पहुंच चुका हूँ घाटों पर। सो ये है मिस्टर बीवी, मेरे चैनल पे आज से ही मिस्टर बीवी है, अभी तक आया नहीं है, दूसरे वो चैनल पे आया था, अभी मतलब ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है मिस्टर बीवी। तो मिस्टर बीवी आज हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, 2 और 4 को ज्वाइन करेंगे, जिसका वेडिंग है 2 और 4 को, तो उसका आज सिर्फ 2 घंटे का रिचुअल है, गणेश पूजा वो सब है, आज वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 2 और 4 को मिलते हैं भाई, मैं कैमरा लेने आया था, कैमरा भी मिल गया मुझे, और अभी निकलते हैं। और वो मिस्टर डीआर आज हमारे साथ, मिस्टर डीआर है, तो मिस्टर डीआर को मैंने बोला है कि तू 7 बजे आने वाला था, 7 बजे आया नहीं, बोले 3:30 बजे सोया हूँ, तो मैं बोला मैं भी 4 बजे सोया हूँ, मैं तो आ गया इधर, तो अभी उसको लेने जा रहा हूँ उधर घर पे, मेरे को तो पता है वो टाइम पे आएगा नहीं, इसको भी पता है कि वो कभी टाइम पे नहीं आता है, मिस्टर डीआर कभी टाइम पे नहीं आता है। मिस्टर डीआर आ चुके हैं हमारे चैनल पर, तरकी लगी है, बंद करो। मिस्टर डीआर आ गए फुल सुबह सुबह तरकी में, सुबह सुबह चिरचिर कर रहे, कल रात को शूट करते करते 3:30 बजे सोए, सुबह सुबह 4 बजे ही सोया हूँ, 2 व्लॉग एडिट कर रहा था। अभी हम लोग जा रहे हैं SRK वाले के पास, हाँ इसने जो लेंस जाएंगे, इसने लेंस लिया है, तो लेंस देने जा रहे, अभी फुल चिरचिर है सब लोग, चिरचिर पेपर हो रहा है, सब हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम जाते फिर हो जाएगा चिरपिर विरपिर सब खत्म हो जाएगा। मैं तो हो चुका हूँ फुल ऑन रेडी, बट मैंने मिस्टर डीआर को बोला था कि चल मेरे घर पे आके रुक जा, बट वो बोलता है कि नहीं मुझे घर पे जमेगा नहीं, तो मैं बोला ठीक है तू गाड़ी में वेट कर, तब तक मैं ना फ्रेश मतलब फ्रेश होके आ जाता हूँ। तो भाई हम भी आ गए अभी, मिस्टर डीआर क्या कर रहे हैं तुम बैठे बैठे इधर, गाने सुन रहे हैं, मैं तो ना धो के आ जाओ फटाफट, अभी जाते जस्ट पीछे ही है, बट गाड़ी लेके क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कैसा सामान वामान रखने का जगह नहीं रहेगा, तो हम लोग गाड़ी में रख देंगे सामान। रिक्शा आगे रख दी, खाना खत्म हो जाएगा वो सोच के एक्टिंग कर। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे, तो हम लोग का शूट हो चुका है खत्म, मुझे बस 12-1 बजे तक, मतलब 12 बजे तक का उन्होंने टाइमिंग दिया था, मैंने लिखा भी है 12 बजे तक, मगर वो पंडित जी ऐसे थे ना कि जितना ज्यादा टाइम हो गए क्लाइंट को उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, तो मेरे को बहुत हंसना है वो टाइम पे, पंडित जी की वजह से थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं अभी सामान रख दिया, अभी खाना सब स्टार्ट हो गया, मतलब खाना खत्म भी होना है, बस हम लोग बाकी है, अभी हम लोग जाते खाना खाते, और फिर हम लोग सोच रहे कि थोड़ा बाहर जाते मतलब कि एक राउंड मार के फिर इसको मैं छोड़ दूंगा, या फिर ये अपने आप से चले जाएगा, लेट्स सी। ये मुझे घाटकोपर छोड़ने वाला है, सुबह भी घाटकोपर से लेके आया इसको मैं, लेके आया तो छोड़ के भी जाएगा ना भाई, लेके आया तो क्या तुम भाई आदमी लोग को, मतलब सुबह मतलब घर से लेके यहाँ तक पिकअप ड्रॉप चाहिए। हाँ भाई हाँ। हम लोग अभी पहुंचे घाटकोपर, और इसका ये सिग्नल का ये ट्रैफिक है, साला 500 रुपए का डीजल डालते हैं, और 200 रुपए का डीजल तो मतलब सिर्फ इधर सीएस के सिग्नल पे जल जाता है, इधर मतलब मजा ही नहीं आता आने के लिए इतना जल्दी, तो क्या करें, अपने को कैमरा भी देना है, सर डीआर जो हमारे साथ है पटेली में बोलते कि घर तक छोड़ो, क्या करें भाई मजबूरी। अभी देखो ये अभी मैं आया हूँ गाड़ी के यहाँ पर, पहले गाड़ी पे कपड़ा मार दे दो, गाड़ी देता हूँ, अरे गाड़ी ये रही, मैं भी ब्लॉक करते करते आगे पहुंच गया, तो अभी सबसे पहले मेरे को दुकान पे जाना है, दुकान पे क्योंकि जो मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है वो तो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि वो मेरे दुकान पे पड़ा है, तो अभी सबसे पहले तो दुकान पे जाना है, एक्सटेंशन बोर्ड लेना है, बोरीवली के लिए निकलेंगे। भाई साहब मैं तो पहुंच गया हूँ बोरीवली, तो अभी टाइम हो रहा है 5:35, मैं शॉप से स्टैंड लाइट और अपना क्या था वो पिछले वाले ब्लॉग में भूल गया था, एक्सटेंशन बोर्ड जो था वो भी मैं डाल दिया हूँ, करीबन 5 बजे मैं भांडुप से निकला रहेगा, और अभी बज रहे 5:35, तो 35 मिनट्स में भांडुप टू बोरीवली, बट बंदा भांडुप से बोरीवली पहुंच गया, बट ये लोग को टाइम लगता है, लड़की लोग को कब से बोल रहे 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आई थिंक शी केम, नहीं आई है वो, कोई और दूध वाला आई है, मुझे पता नहीं, मैं सुबह सुबह आज पहली बार इतना जल्दी उठा हूं ना, पहली बार नहीं मतलब बहुत टाइम के बाद जल्दी उठा हूं ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। गाइस मैडम जी आ चुकी है, तो मोबाइल बता, मोबाइल में टाइम 5:43,
अभी भी तैयार नहीं हुई है। गाइस कैमरा मिल चुका है और अभी टाइम हो रहा है 6:31। तो मुझे 6:30 बजे तक ये मैडम को छोड़ना था, उनको छोड़ना है द लीला पैलेस में, फिर हम जाएंगे वहाँ से घाटकोपर में। सो सबको घाटकोपर में बुला लिया हूँ और एक ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर है उसको मैं डायरेक्टली बोला हूँ कि तुम भाई डायरेक्ट पुरला में मिलो। सब प्लान सॉर्टेड है बट बस जो सोचा था वो ही नहीं हो रहा है, बाकी कुछ नहीं सब हो रहा है। क्या बोलूं अभी मैं, अभी मिस्टर डीआर के लिए रुके। मिस्टर डीआर हमेशा लेट आता है, हमेशा मतलब हमेशा। अगर उसको बोलेंगे ना 7 बजे आना है तो 7:30-8 बजे आता है। अगर उसको बोले ना 8 बजे अपने को पहुंचना है तो वो घर के नीचे ही निकलता है 8 बजे। अभी टाइम हो रहा है, एक सेकंड, अभी टाइम हो रहा है 7:34। अभी मैंने उसको बोला था 7:30 बजे तक रेडी रहना, अभी 7:30 बज गए अभी तक आया नहीं है सर जी। हम लोग यहाँ पे खड़े घाटकोपर स्टेशन के बाहर। सो असिस्टेंट विक्रोली पहुंच गया, विक्रोली से बस आता ही होगा, 5 मिनट में आ जाएगा। और ये जैसे कि हर बार टाइम पे आता नहीं है मिस्टर डीआर, और यहाँ पर मिस्टर बी भी पीछे बैठे हैं जो कि गेस्ट है हमारे साथ। परसों बताया था, जो कि हम मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये 2 तारीख को ज्वाइन करेगा हमको, 2 तारीख और 4 तारीख को। तो आज 2 तारीख है तो आज ज्वाइन कर रहा है। और ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर तो 7:40, मैं बोला 8:00 बजे कुरला पहुँचना है, मुझे 7:40 को ही कुरला पहुँच गया हूँ। डेडिकेटेड है, इसके जैसे नहीं कि साला 7:30 बजे बुलाएगा ना तो भाई 8 बजे आता ही। और कान में क्या भाई, नए झुमके लग रहे हैं मेरे को। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, कच्ची समाज हॉल है इनका। टाइम तो हो रहा है 8:45, 8 बजे बुलाए थे मगर वो लोग भी अभी तक टाइम पे आया नहीं। इसके लिए हम लोग आए हॉल पे, हॉल पे तो सबसे को मिला लिया आपको। सो अभी ये भाई है हमारे सचिन भाई, सचिन भाई हमारे ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर आज के और 4 तारीख के लिए। तो बस अभी ये लोग बोल रहे कि मामा ये लोग आने वाले हैं, बस रुके हुए उसके लिए। 8 बजे का टाइम देखिए, लोग अभी तक मामा ही नहीं आया, कपड़ा ही नहीं लेके आया, तो किसको कपड़ा देंगे। और पीछे गीत चालू है मारवाड़ी जैसे क्या। अभी हम लोग सामान वामान रख दिए, नाश्ता करने जा रहे हैं। टाइम हो रहा है कि 1:35 और ये हमारे साथ है आज की ब्राइड, तो इनका नाम है शिखा। शिखा आपने मुझे कितना बजे बुलाया? 9 बजे कि 8 बजे? और ये आए कुल 9:30 बजे, लेट आए 10 बजे। 9:30 बजे आए और मतलब कुल ही थे, मैं डाल रहा हूँ वाला वीडियो। अभी हम लोग आए खाना खाने के लिए, बहुत जोर की भूख लगी है। ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर तो उन लोग मैं बोला तुम लोग खा के आओ, तो हम लोग कैमरे के सामान की रखवाली करते का खाना भी खा के हो चुका है और अभी संगीत की तैयारी चालू है। तो वहाँ पे आप देख, वहाँ पर संगीत की सुबह मायरा हुआ था, मायरा के बाद 2 बजे के बाद हल्दी चालू हुई थी, अभी हल्दी खत्म हो गया, अभी संगीत चालू है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे फेस पर ऐसा डिस्को लाइट चालू है। अगर ये पीछे से नॉइस की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आई एम सॉरी। अभी वो लोग आने वाले आधे घंटे में, कब आएंगे क्या मालूम। आप भी एक चेयर लेके बैठ जाना। हम लोग का शूट हो चुका है ख़त्म। सो अभी टाइम हो रहा है 12:40, मगर शूट तो मतलब ख़त्म हो चुका था 10:30 बजे तक, 10:30-10 बजे तक। तो हम लोग बाद में हम लोग लेट गए, मतलब हम लोग सब पैक करने लग गए ना कैमरा, तो खाना भी खाने नसीब में नहीं रहा। 12:40 को क्या ओपन रहेगा, क्या खा सकते हैं वही देख रहे अभी। अभी तो कैमरा तो दे दिया, अभी जस्ट हम लोग गोरेगांव में गए थे, कैमरा दे दिया, कैमरा दे के अभी निकल गए घाटकोपर के लिए। अभी बीच में कुछ खाने के लिए मिलेगा तो देखते, नहीं तो घाटकोपर स्टेशन में तो मिल ही जाएगा। मैं आ चुका हूँ अपने घर के यहाँ पर, गाड़ी भी पार्क कर चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। और मैं गाड़ी पूरी नींद में चला के लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कैसे चला के लेके आया हूँ, बट मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी मैं जाके सो रहा हूँ एंड जब भी आँख खुलेगी तब मैं मिलता हूँ।
गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग तो क्या है, अभी तो 12:48 हो रहे हैं और मेरी नींद खुली 11 बजे, क्योंकि कल रात को घर पे आते आते 2 बज गए। मुझे नींद बहुत आ रही थी तो मैं घर पे आया। मैंने सोचा कि पहले ट्रांसफर कर लूंगा देन सो जाऊंगा, बट मुझे गाड़ी चलाते चलाते इतनी नींद आ रही थी ना, तो घर पे आके बैग रखा, हाथ पाँव धोया, नहाया भी नहीं और डायरेक्ट सो गया। अब ये बता रहा है कुछ 40 मिनट, क्योंकि 46.8 GB है। बस यही है लाइफ, जाओ शूट करो, ट्रांसफर करो, बाद में एडिट करो, और कुछ लाइफ में है। अभी मैं जाऊंगा खाना खाऊंगा, खाना खाते तक तो ये ट्रांसफर भी हो जाएगा, फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को कुछ नहीं करना है, नहीं नहीं करना है, करना है बस। बाकी तो बढ़िया है ये ट्रांसफर, अभी मैं खाना खाने जाता हूँ, बाकी तो सही है, बाकी सब सही है।